में आम आदमी पार्टी ने सरकार और सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोल किया। आम आदमी पार्टी ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया और रेप करने वाले आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। बता दें कि बीते दिनों मैहर में मासूम के साथ गैंगरेप किया गया था, हालांकि पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घर पर बुलडोजर भी चल चुका है। सम्मान में आम आदमी पार्टी मैदान में इन्हीं नारों के साथ राजधानी भोपाल में मैहर में हुई घटना को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी हम वही रोशनपुरा चौराहे पर है जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश भर से एकत्रित हुए हैं और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए लगातार बीजेपी के शासन में आप देखेंगे ऐसे बलात्कार के दुष्कर्म लगातार बार बार बाहर आ रहे हैं। हर दूसरे दिन एक बड़ा बलात्कार का केस सामने आता है। मैहर में भी इसी तरीके के जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं उन्होंने ये कृत्य किया है। आम आदमी पार्टी ये मांग कर दी कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए। आरोपी का घर तोड़ा गया है और उसे जेल में डाल दिया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की मांग हो या तुरंत फांसी दी जाए। देखिए जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होने के साथ साथ किसी का घर तोड़ देना समस्या का जो सुलझाना है ये किसी का सॉल्यूशन नहीं है। घर तोड़ देना सबसे पहले तो उसकी वैध तरीके से जांच होनी चाहिए और उस बलात्कारी को फांसी मिलनी चाहिए ताकि ये सबक मिले कि आने वाले टाइम में कोई भी दुष्कर्म इस तरह से बच्चियों के साथ करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ बीजेपी के नेता ही कई बार दुष्कर्म के मामले में फंसते हैं और उन्हें संरक्षण मिलता है, तो ऐसे प्रदेश में बच्चियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगी। ये हमारे साथ आम आदमी पार्टी की नेत्री थी जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो दोषी है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, फिलहाल जांच भी पूरी घटनाक्रम की हो जाना चाहिए। यही मांगों के साथ आम और कार्यकर्ता भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बंसल न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल। राजधानी भोपाल में दहेज